हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट चार्टर्ड कपल। और आज की वीडियो इन्वेस्टमेंट के बारे में है, जो कि सबको पता है बड़ा हॉट टॉपिक है और हम सब परेशान होते हैं कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। सैलरी आते ही सोचने लग जाते हैं यार, बैंक में तो कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। तब समझ में आया कि हाँ भाई, यूके में भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो, और उस पर ग्रोथ वाली जो इनकम होती है वो कि आपकी टैक्स फ्री होती है। तो उसी के बारे में मैंने आज डिटेल वीडियो में बात करी है, विच आई विल टेक यू थ्रो। सो एंड तक आप बने रहना, बिकॉज लास्ट में मैं आपको एक दो टिप भी दूंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पैसे डबल हो जाए। एक स्कीम है 25 दिन में पैसा डबल। सो टॉकिंग अबाउट टुडे वीडियो, ये वीडियो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जब यूके आते हैं, जैसे ही थोड़े से पैसे आने लगते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आते ही इन्वेस्ट करने के लिए, बट जैसे ही तीसरी चौथी सैलरी आती है, लगता है मन में यार बैंक में पैसे तो डल रहे हैं, पैसे बढ़ नहीं रहे, क्या करें। उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया। एक्चुअली होता क्या है, जब आपको यूके में सैलरी आती है, जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, वो जो अकाउंट होता है, अनलाइक इंडिया, वो सेविंग अकाउंट नहीं होता जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो, जहाँ पे आपकी सेविंग ग्रो हो रही हो। यहाँ पे आप 10 रुपये डालेंगे, वो 10 साल बाद भी 10 रुपये पड़े रहेंगे आपके सैलरी अकाउंट में। सो टू ग्रो योर मनी यू नीड टू इन्वेस्ट। अब क्वेश्चन है, इन्वेस्ट क्या करना है? प्रॉपर्टी में? इतने पैसे नहीं है यार, पीएफ तो यहाँ होता नहीं है, पेंशन में पैसे जरूर कट जाते हैं, और क्या इन्वेस्ट कर सकते हो? भाई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड लोगे पता है? कोई आइडिया नहीं है भाई। ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट पर दे देते हैं किसी को, वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका पता नहीं। सो बड़ी सारी दुविधाएं हैं कि करें क्या उस पैसे का, भले ही आपके पास 10,000 पड़े हो, बट कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप? सो अब जब आप यूके आ जाते हो, यूके में घर तो इतने सस्ते हैं नहीं कि हाँ भाई 2 साल की सैलरी इकट्ठी करी घर ले लें, और जब तक वो पैसे आप अपना कॉर्पस बनाओगे, आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। सो यूके के अंदर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, जिसे कहते हैं ISA अकाउंट, विच इज़ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में आपको 20,000 का पूल मिलता है, जो कि यू कैन इन्वेस्ट एज यू लाइक। अब 20,000 कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं आपको, विच इज़ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। भाई कौन से चार ऑप्शन की बातें कर रहे हो आप? चलो उसके बारे में बातें करते हैं। अब जो ये चार ऑप्शन हैं, इनको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISA, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कैश ISA। क्या होता है कैश ISA? इज़ लाइक अ सेविंग अकाउंट, जैसे कि इंडिया में आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, वैसे यहाँ पे ऐसे कैश ISA बोलते हैं, जिसमें बड़ा इंडिया जैसा इंटरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, बिकॉज इंडिया की इकॉनमी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है, अनलाइक यहाँ पे जहाँ पे इंटरेस्ट आप लेते हो लोन पे पैसा तो भी कम देना पड़ता है, और जब पैसे जमा करके कहीं रखते हो तो भी इंटरेस्ट कम मिलता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितना टका? सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी रेंज होती है 0.3% to 0.5%, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं 2 साल में, भले ही 10 पाउंड ही मिल रहा हो, किसको खटकता है 10 पाउंड। एक्चुअली अब कैश ISA की हम बात कर रहे हैं, तो कैश ISA में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कैश ISA में कोई भी इन्वेस्ट करता है हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड जो कि यहाँ का रेजिडेंट हो। तो आप अपना आते ही, जैसे ही अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो, कोशिश करो अपना ISA भी खुलवा लो। अब अभी मैंने कैश ISA की बात करी है, अब कैश ISA जो कि मैंने बोला सेविंग अकाउंट की तरह होता है, आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। वॉट इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक शेयर्स एंड फंड्स? येस, यू डू हैव अनदर ISA, उस ISA को बोलते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA। अब स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA की बात करें, तो स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA ऑब्वियसली रिस्क हाई होता है, तो रिटर्न भी हाई है, स्टॉक्स है, बट मिलेगा क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलते हैं आपको, हमें मिलता है डिविडेंड, जो कि होता है टैक्स एग्जम्प्ट। किस पैसे पर टैक्स एग्जम्प्ट होगा? जो कि 20,000 का पूल फंड है, उसमें से जितना आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, उस पैसे पे आया हुआ डिविडेंड आपका टैक्स फ्री होगा। एंड वॉट अबाउट इफ अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, 100 रुपये का शेयर एक साल बाद 150 का हो गया, 100 पाउंड आपने इन्वेस्ट करे थे, नाउ इट बिकम 150 पाउंड, 50 पाउंड इज योर कैपिटल गेन, विच इज़ ऑल्सो एग्जम्प्ट, क्योंकि कैपिटल गेन अलाउंस एग्जम्प्ट होता है अप टू सर्टन एक्सटेंट, जो कि मैं आपको अमाउंट कोट कर देता हूँ, 12,300 तक का कैपिटल गेन अलाउंस एग्जम्प्ट है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, आपको डिविडेंड फ्री मिल रहा है, आपका गेन फ्री है, पैसे बढ़ के बढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए? बहुत हो गया है, मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए डर लगता है, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता।
मुझे तो घर के लिए पैसे रखने हैं, सेफ रखने हैं। ठीक है, आपको घर के लिए पैसे रखने हैं, सेफ रखने हैं, ठीक है, मानते हैं आपकी बात। तो गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपके लिए तीसरा ISA भी ऑप्शन दिया हो, जिसे एक हम कहते हैं लाइफ टाइम ISA। सो लाइफ टाइम ISA की बात करें, इट इज़ बेसिकली फॉर द फर्स्ट बायर्स। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय योर फर्स्ट होम, देन यू कैन इन्वेस्ट योर फंड्स इन लाइफ टाइम ISA। अब लाइफ टाइम ISA की एक कैच है, इसमें आप एक साल में 4,000 pounds से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट इसमें बहुत बड़ा इंसेंटिव भी है कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो, लेट से 4,000 आपने पूरा इन्वेस्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट आपको आपके इन्वेस्टेड सम के ऊपर 25% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो 4,000 के ऊपर यूके गवर्नमेंट 1,000 कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने 4,000 जमा कराया है, तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 1,000 का वापस, और आपका टोटल सम हो जाएगा 5,000। अब उस 5,000 आप हर साल एक्यूमुलेट कर करके वेन एवर यू वॉन्ट टू बाई योर न्यू होम, यू कैन गो इन द मार्केट, विदड्रॉ योर फंड एंड कैन बाय अ न्यू होम फॉर यू। बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर न्यू बायर। अगर आप सेकेंड होम बायर हो कहीं पे भी, नॉट इन यूके, अगर कहीं पे भी आपका पहला घर है और आप यूके में आके अपना दूसरा घर ले रहे हो, तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। तो अभी तक मैंने बताया आपको 3 types ऑफ ISA, कैश ISA, स्टॉक एंड शेयर्स ISA, एंड थर्ड इज लाइफ टाइम ISA। सो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास 20,000 pounds है, सो उस 20,000 pounds जो कि आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो इन अ ईयर इन ISA, उसको कैसे एलोकेट कर सकते हो? सो उसको एलोकेट करने के लिए आप 4,000 तो अपना लाइफ टाइम ISA में डाल सकते हो, और बाकी जो बचेगा 16,000 आप उसको इक्वली स्प्लिट कर सकते हो, या एज जो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल हो। अगर आपको अपना फंड सेफ रखना है तो कैश ISA में डालें, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो आप स्टॉक एंड शेयर्स ISA में भी डाल सकते हो। अब बात करते हैं जिन कपल्स के बच्चे हैं, और जो लोग सोचते हैं बच्चों के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए एक ऑप्शन है जूनियर ISA। इन जूनियर ISA यू कैन इन्वेस्ट एज मैक्स टू 9,000, जो कि उसका कैपिटल अलाउंस है, जिसके ऊपर जो भी आपको ग्रोथ मिलेगी वो आपकी टैक्स एग्जम्प्ट होंगी। सो जिन के किड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जूनियर ISA के लिए, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, बट यहाँ पर हम समझ नहीं पाते कहाँ इन्वेस्ट करें, सो फॉर देम इट्स जूनियर ISA। अब बात करते हैं कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन सारे फंड्स में, जूनियर में तो जूनियर नहीं करेगा, बट बाकी जो 3 types ऑफ ISA मैंने बताए, उसमें कोई भी अबव एज 18 इन्वेस्ट कर सकता है। आपको यूके रेजिडेंस होना चाहिए, एंड जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट टैक्स फ्री, कैपिटल गेन टैक्स फ्री, और क्या होता, और ये है कि अगर आपका कहीं ISA खुला हुआ है और आपको लगता है कि इस ISA को आप दूसरे ब्रोकर फर्म से स्विच करना चाहते हो, तो आप स्विच भी कर सकते हो, एक्सेप्ट कैश ISA, जो कि साल में आप नहीं कर सकते। बट अदर देन कैश ISA, जो बाकी 2 ISA हैं, जो कि स्टॉक ISA है और तीसरा जो कि लाइफ टाइम ISA, वो भी आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन। लेट्स से आपने कंपनी ए के साथ खोला है, तो आप कंपनी बी पे भी स्विच कर सकते हो। एंड बोनस चीज़, विड्रॉबल होता है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो अपना अमाउंट जब भी आपको चाहिए। और क्या चाहिए लाइफ में, जब भी पैसे हों आपको मिल जाए। सो गाइज, मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बोला था कि मैं आपको एक टिप दूंगा, और टिप ऑफ द वीडियो ये है, या टिप ऑफ द डे आप कह लो ये है, कि जब भी आप इन्वेस्ट करें एक थंब रूल लगाना। थंब रूल इज 100 माइनस योर एज, जो भी परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज को इक्विटी में इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब आप यंग होते हो, जितना ज़्यादा आप इक्विटी में लगाओगे उतना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो, एंड मोर द रिस्क मोर द गेन, सिंपल प्रिंसिपल। सो जब भी इन्वेस्ट करें वाइजली इन्वेस्ट करें। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई है। और अगर आप सेम तरीके की एजुकेशनल वीडियोस और देखना चाहते हो, तो भी पीछे नीचे कमेंट में करें कि व्हाट यू वांट टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए शुक्रिया, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।